देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि शरद पवार जी ने कहा, जब इंडिया की पहली बैठक हुई INDIA, हाँ INDIA हमारे में इंडिया, हाँ। जब उसकी पहली बैठक हुई तो जो NDA मृतप्राय था वो जिंदा हो गया, उसकी बैठक होने लगी। 9 साल तक NDA की बैठक नहीं हुई। कर्नाटका की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट से चोट किया, नतीजा क्या हुआ, गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ते हो गए। अभी 5 राज्यों का चुनाव है, जनता फिर मोदी जी पर चोट करेगी, फिर कोई नई सौगात मिलेगी, जनता ऐसे ही चोट करती रहेगी। प्रधानमंत्री जी, जनता की INDIA, जनता वोट का चोट करेगी भाजपा पर और सौगातें बढ़ती जाएंगी। बोले जनता चोट करेगी और उधर से सौगातें मिलती रहेंगी। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। कहां पे दिल्ली से? शास्त्री, शास्त्री पार्क। हाँ, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है कनॉट प्लेस के। तो सब बढ़िया, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको पहले तो रक्षाबंधन की। मिलने आई हैं आप हमसे और बहुत अच्छे दिन आई हैं रक्षाबंधन वाले दिन, बहुत अच्छी बात है। कुछ यादें आ जाती हैं रक्षाबंधन वाले दिन, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहेगी पटरी, चलती पटरी पे। अगर गाड़ी पटरी पे है तो गाड़ी पटरी पे ही चलेगी। खैर, हाँ हाँ हाँ, मोदी जी के रहते हुए गाड़ी पटरी पे ही रहेगी। जी जनाब, मैम बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी। क्या बोले, कुछ क्या बोले? हाँ, आप बोलना चाहते? कुछ नहीं बोलना चाहते? कहाँ से आई हैं आप? सारी अच्छा, बच्चों को लेके आई हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम टू यू। जी देखिए, एक कहावत है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया उससे जो भ्रष्टाचारी थे वो कहते हैं कि हम सारे लोग इसलिए हैं INDIA, क्योंकि हम सब लोग तानाशाही के खिलाफ हैं। देखिए ना, कौन किसके खिलाफ है, कोई चारा घोटाला वाला, कोई शिक्षा घोटाला वाला, कोई दारू घोटाला वाला, सारे घोटालेबाज एक हो गए। और मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी ने जो कार्य किया, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको भी करना चाहिए। आपने क्यों नहीं 4 करोड़ आवास दिया, क्यों नहीं 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर दिया, क्यों नहीं हर घर जल नल योजना दिया? तो जो आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे बुनियादी ढांचे में विकास करके मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया, ये सारे भ्रष्टाचारी मजबूर हो गए। ये मजबूत नहीं, ये मजबूर हो गए अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत थोड़े समय के लिए, गांव में कहावत है कि चोरों का की लड़ाई जो है माल के बंटवारे को लेकर होती है, तो आज आप देखे होंगे पोस्टर से एक लोग आउट हो गए, आने वाले समय में भी आप देखे होंगे उसी बंटवारे को लेकर सब लोग आउट हो जाए। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि कोई चोर है, क्योंकि ये मैं मेरी लैंग्वेज में नहीं है, मेरी भाषा वो क्या जो डिक्शनरी है उसमें ये नहीं आता। हाँ, चोर को मैं चोर कहता हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम के तहत जो हमारी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत चलते हैं। शरद, ऑफकोर्स आप यू विल रिस्पॉन्ड, ऑफकोर्स आप, मैं आम आदमी पार्टी का, पार्टी के बाद ही मैं बाकी लोगों के पास आऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक है। शरद पवार जी ने कहा कि 28 पार्टियां हैं हमारे साथ और हमारी 28 पार्टियों का ही दबाव है कि 200 रुपया सिलेंडर सस्ता हो गया। आने वाले समय में देखिए होता क्या है। ये सब लोग कहां से आए हैं आज बताइए, कहां से आए हैं आप आज? हाँ जी, कहां से आई हैं? रजौरी से। क्या नाम है आपका? गुड़िया। और आपका? जुबैदा। और आपका? सानिया। तो आगे आ जाओ, कुछ पूछने वाला नहीं हूं तुमसे, सामने बोलना चाहिए और जिसके पास आंख में आंख डाल के बोलने का कुव्वत हो वही यहां पे माइका लाल खड़ा हो। जी आ रहा हूं, खड़े रहो, आम आदमी पार्टी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरी उम्मीद थी, मैं देश का युवा हूँ, प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों ने 10 साल दिए, प्रचंड बहुमत दिया, 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, 4.5 साल देश को लूटा और आखिरी के 6 महीने में 200 रुपए सिलेंडर कम करने, जो कि इन्होंने ही 800 रुपए सिलेंडर को बढ़ाने का काम किया। इनके वादे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की मार, लेकिन आज देश कह रहा है बहुत हुई महंगाई की मार, कहां सो गई मोदी सरकार। देश के युवा पूछ रहे हैं कहां 18 करोड़
युवाओं के रोजगार, हमारी महिलाएं पूछ रही हैं कहां है सिलेंडर 400 से 1200 कम करने वाला मोदी सरकार, हमारे देश के किसान पूछ रहे हमारी आय का क्या हुआ, हमारे देश के जवान पूछ रहे हमारे लिए क्या किया, हमारे देश के लोग पूछ रहे हैं कि आपने बहुत सारे घोटाले किए, सीएजी दिन ब दिन इनके घोटाले उजागर कर रहा है, आयुष्मान योजना जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं आयुष्मान योजना देश के लोगों को इलाज करने काम किया है, लेकिन 10 लाख लोग सीएजी ने कहा 10 लाख लोग फर्जी रजिस्टर किए, वो फर्जी लोग कौन थे, उसके पैसे कहां गए। आज देखिए इंडिया का जब से अलायंस हुआ है प्रधानमंत्री जी बौखला गए, प्रधानमंत्री जी आराम बाबू जी सही नहीं है बोलने का, क्या ही बोलेंगे, जिनके नेता इनके केजरीवाल जी बोले थे कि हम कुछ नहीं लेंगे, भाषण दिए तो कहां लिए कुछ, 50 लाख का पर्दा लगा दिए कहां लिए। सर बात करते अरे वो नेता के ये कार्यकर्ता या प्रवक्ता हैं जो सही चीज अपने जनता के बीच बोलते ही नहीं है, झूठ ही बोलना उनका काम है, कहे थे हम कोई लाभ नहीं लेंगे, 50 लाख का गाड़ी पर चढ़ते ओडी गाड़ी पर, जनता वो केजरीवाल जी हैं कि जनता को फिर। अच्छा एक बात बताइए, आप दिल्ली में ही रहते हैं, अब मिसाल के तौर पे भाई साहब दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अब वैगन आर में चले अच्छा नहीं लगता, तो अगर इनोवा में चलता तो अच्छा तो लगता है ना, ये बात नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो बोले उस पर बोल। हाँ जी, जो बोले उस पर बोल रहे हैं, जो बोले उस पर बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 अरविंद केजरीवाल जी पैदल चलने वाले थे, शीला जी को रोज गाली देते थे, और लालू यादव को यदि हम चोर ना कहे तो क्या कहे आप बताइए। हाँ मैं सुनिया गुस्सा शांत अरे संगीता जी थोड़ा गुस्सा शांत थोड़ा अरे थोड़ा गुस्सा शांत मेरा काम ये है कि पानी की छींटे डालना, तो मैं पानी की 2 छींटे डालूंगा। जी जी बोलिए, जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनका नाम लेकर सत्ता के अंदर आए, आज उनकी चरणवंदना कर रहे हैं, उनकी चरणवंदना कर रहे हैं। नहीं, उसका जवाब शरद पवार जी ने दिया, शरद पवार जी ने उसका जवाब दिया, कुछ नहीं दिया, सब है? सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि ये लोग अपने पार्टी के उस चक्कर में इतनी ज्यादा गंदी बात करते हैं कि इनका सारा वोट जो है भी वो भी छिटक कर रहा है। कारण ये है कि आप जब सरासर झूठ बोल रहे हो, अब केजरीवाल को ही कह रहे हैं, इनके हिसाब से वो युग पुरुष है, हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार आदमी है। अरे अच्छा पहले तो अच्छा ये जनता भी बड़ी गजब है, समझ ही नहीं आ रहा था बॉल जाएगी किधर घूम के, बोलते रहे बाबूजी एकदम से मारा, एकदम आउट स्विंगर मार दिया, अरे ऑफ स्टंप गेंद पड़ी या थोड़ा सा बाहर निकल गई, मैं सोच रहा था पता नहीं किधर उठ करवट है, और एकदम से पलट के इन्होंने मारा।